डिम्पी कौन सा शेयर क्यों चुना है आपने? अनिल जी, दमदार शेयर है क्योंकि न केवल भारत की गाड़ियों का बोझ उठाती है बल्कि 15 कंपनियां देश की विदेश की बड़ी कंपनियों के लिए ऑटो एंसिलरी प्रोवाइड करती है, वो है मदरसन सुम्मी। इसमें थोड़ा लेट भी हो गया इसको देने में आपके सामने, लेकिन आप इसका पहले जरा सालाना मुनाफा भी देखिए और सालाना आय, इससे बेस से आपको ये तो पक्का हो जाएगा इस शेयर के आप गलत नहीं है। ये आपके सामने ईयरली चार्ट करीब 8% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया साल भर का। अब आपके सामने मैं मुनाफा और आय आपको दिखाता हूँ, बाद में इसके ट्रिगर्स की बात भी करेंगे। पहले इसके जरा मुनाफे पे चलते हैं। 1554 करोड़ रुपए का मुनाफा, 2100, बाद में 2500, फिर 3000 करोड़ का ये बढ़ते हुए क्रम में है। आप इसका इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, ना केवल भारत के अंदर ऑटो बड़ा हब बन रहा है बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी जो ग्रोथ देखने को मिल रही है उसमें ऑटो सबसे बड़ा एस्ट्रेक्टर होता है अपने पैसों को लेकर आने में, यानी कि खर्च करने का, डिस्पोजेबल इनकम का। उसमें ये बड़ी एंसिलरी कंपनी है और इनकी मान्यता करीब विश्वभर के सभी देशों में है। ये करीब 15 से ज़्यादा बड़े ब्रांड्स को ऑटो एंसिलरी सप्लाई करती है। अब आते हैं इसके आय पे। इसके आय में करीब 42,490 करोड़ रुपए की आय 17 में रही, 18 में 56,666 करोड़ रुपए की आय कंपनी साल दर साल कमा रही है, भी बढ़ते हुए क्रम में है। ये इंडिकेशन कर रहा है कि कंपनी की ग्रोथ में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर एक देश में कमजोरी होती है तो दूसरे देश का बेनिफिट ये अपने आप से उठा लेते हैं, ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस मॉडल से हैच हो जाते हैं। अब आते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज, किसके मार्जिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो 11% के आसपास मेंटेन है। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं दो जो आपको इंडिकेट तो कर रहे हैं कि शेयर में आप रह सकते हैं। आगे के लिए ट्रिगर्स क्या हैं डिम्पी, फटाफट से वो ही बताइए। वो इनकी ऑर्डर बुक है, 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक इनके पास है और एक कम नहीं हो रही है, यानी कि जो ऑर्डर्स का कंप्लीट करते हैं उसके बाद नए ऑर्डर्स उतने मिल जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है इसकी 1,00,000 करोड़ की ऑर्डर बुक का बने रहना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट देश की ग्लोबल कंपनीज के साथ साथ इनको विदेश में जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो इसका बड़ा बेनिफिशियरी है, खासकर चाइना में भी इन्होंने अपना कामकाज बढ़ाया है। इसके अलावा नई इकाई ये खरीद सकते हैं या फिर और खोल सकते हैं, कम से कम 3 बड़ी इकाइयों पर ये कामकाज कर रहे हैं और हो सकता है आपको 1 से 1.5 महीने में वो खबर भी आ जाए जो ये एक्विजिशंस करना चाहेंगे या फिर नई रेनोवेशन करना चाहते हैं। इसके अलावा अगले 2 साल में कर्ज करीब 30% अपना कम कर देंगे। कर्ज को मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे कम किया जाएगा। 17 में जहाँ पे इनका 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है वो घटकर 9,000 करोड़, अब 7,000 करोड़ आने वाले दिनों में, और उसके बाद एक कर्ज घटकर करीब 6,400 करोड़ का हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में कर्ज घटेगा, कंपनी चलेगी।